आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानम एजुटेक में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वाउचर्स को कैसे बनाते हैं। तो वाउचर बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है कि लेज़र्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो लेज़र्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं इधर पर, ये चीज़ हम अकाउंट्स इन्फो में जाकर लेज़र्स में चेक कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद इन्वेंट्रीज़ को भी देख लेते हैं। स्टॉक आइटम भी मैंने बना कर रखा हुआ पहले से। इसको अब हमको क्या करना है कि अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है इधर पर, कमेंस बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 10,000। बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपीज़ से। तो बिजनेस स्टार्ट किया मतलब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को हमेशा हम किस में डालते हैं, पेमेंट वाउचर में डालते हैं। तो पेमेंट वाउचर के लिए आपको क्या करना है, F5 प्रेस करना है। F5 जैसे आप प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे कैश, नीचे लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल लिखेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर आप अमाउंट डाल देंगे कि जितने से बिजनेस स्टार्ट हुआ, जैसे 10,000 था। फिर उसके बाद आपको जो भी नरेशन लिखना है तो आप नरेशन यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे। तो जैसे मैं लिख देता हूँ इधर पर, बीइंग स्टार्ट बिजनेस, विथ कैश, इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। देन सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा है डिपॉजिट इनटू बैंक। अब क्या आ रहा है, बैंक में डिपॉजिट किया। तो बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक की एंट्रीज मैंने बताई थी आपको कि कहाँ यूज़ होती है, कॉन्ट्रा में यूज़ होती है। तो कॉन्ट्रा एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना, F4 प्रेस करना। F4 जैसे आप प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो टॉप ऊपर जहाँ है वहाँ पर आपको बैंक लिखना है और नीचे आप क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। अमाउंट लिख देंगे आप 15,000, इंटर कर देंगे। देन नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर 3,000। फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया मतलब F5 है ना, परचेसिंग जो भी होगी तो हम उसको F5 में करेंगे, पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ऊपर कैश लिख देंगे और यहाँ पर फर्नीचर लिख देते हैं। कितने का था, 3,000, तो 3,000 लिख दिया। नरेशन आपको लिखना है, लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स। सो परचेस किया है तो परचेस के लिए यहाँ पर हम परचेस वाउचर का यूज़ करेंगे क्योंकि क्रेडिट परचेसिंग हो रही है। तो F9 से हम परचेस वाउचर में आ जाते हैं। यहाँ पर आप एक रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, मैंने जैसे 132 डाल दिया है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे लेज़र्स जो था मिस्टर एक्स, उसका डिटेल डाल देंगे। देन परचेस, अब उसके बाद क्या दे रहा है, नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम में जैसे मैंने एक इन्वेंट्री बना कर रखी है, आपने जो भी प्रोडक्ट सेल किया है उनको परचेस किया उनसे, वो उसको हमको यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे HP लैपटॉप, कितने आपने परचेस किए हैं, जैसे मान के चलो मैंने 3 लिख दिए, 3 क्वांटिटी में मैंने परचेस किया। अमाउंट जो है कितना लिख दिया मैंने, 20,000 लिख दिया। 20,000 का एक लैपटॉप है तो 3 है, इंटर करते हैं, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपका 60,000 आ गया। इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे। देन लिखेंगे नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। तो सेल करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F8 प्रेस करेंगे, सेल्स वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक नंबर डाल दीजिए रेफरेंस नंबर, पार्टी हम सेलेक्ट कर लेते हैं मिस्टर वाई। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स डालनी, डिलीवरी नोट डालना है, डिस्पैच नंबर, ये सब जब आप प्रोफेशनली वर्क करेंगे तो आपको सब कुछ नोट करना रहता है, डिस्पेंस डॉक नंबर, डिस्पेंस थ्रू, डेस्टिनेशन, ऑर्डर नंबर्स और जो भी डिटेल्स रहती है वो पूरी डाल के, एड्रेस वगैरह, सेल्स टैक्स नंबर डाल के हमको लिखना रहता है। देन इंटर कर देंगे। पर्टिकुलर्स में यहाँ पर भी हम HP डेल लैपटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 क्वांटिटी हमने सेल की थी और परचेस किया था, हम 3 क्वांटिटी सेल कर देते हैं। अमाउंट डाल देते हैं हम 35,000 का एक लैपटॉप हमने सेल किया, इंटर कर दिया। ये इधर पर टोटल अमाउंट आ गया, इंटर कर देंगे। नरेशन लिख देंगे, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे।
देन देन आ रहा है हमारे पास रिसिप्ट कमीशन, कमीशन रिसिप्ट हो रहा है मतलब पैसे हमारे पास आ रहे हैं। तो रिसिप्ट यदि हो रहा है तो हम क्या प्रेस करेंगे, F6। रिसिप्ट वाउचर में जितना भी पैसा आता है उसकी एंट्री हम किस में करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ पर आप प्रेस कर देंगे F6। F6 जैसे आपने प्रेस किया तो रिसिप्ट आ गया। यहाँ पर आप कैश लिखेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे रिसिप्ट कमीशन। रिसिप्ट कमीशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए और कमीशन कितना रिसिप्ट हुआ हमारे पास, जैसे 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ किसके थ्रू रिसिप्ट हुआ वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इंटर कर देंगे। देन नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए पेड किया तो F5। यहाँ पर आप कैश एडवर्टाइजमेंट इंटर कर देंगे और अमाउंट डाल देंगे इसमें, कितना अमाउंट है आपका 500। इंटर कर देंगे, नरेशन लिख देंगे सेम एज इट इज़। फिर इसके बाद आ रहा है रिसिप्ट बैंक इंटरेस्ट। पैसा हमारे पास रिसिप्ट हुआ तो अब बैंक से रिसिप्ट हो रहा है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बैंक से यदि कोई भी चीज़ हमारे पास रिसिप्ट होगी तो ऊपर कैश की जगह पर क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। देन रिसिप्ट इंटरेस्ट लिख देते हैं हम, रिसिप्ट बैंक इंटरेस्ट कितना रिसिप्ट हुआ था, 100 रुपीज़ से रिसिप्ट हुआ था, तो 100 रुपीज़ लिख देते हैं, नरेशन लिख देंगे। देन आ रहा है सैलरी। सैलरी हमने पेड किया तो F5। यहाँ पर आप सैलरी भी आप बैंक के थ्रू ही देंगे तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, सैलरी सेलेक्ट कर लेते हैं, पेड सैलरी कितनी दी हमने, 500 दिए। इंटर कर देते हैं, इंटर कर देंगे। तो इस टाइप से बहुत ईजी होता है, यदि आपको कॉपी में इसको करते बन रहा है तो आपको कंप्यूटर में वो बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी वाउचर्स की एंट्री करना। लेज़र क्रिएशन, इन्वेंट्री, देन वाउचर एंट्रीज। इसी के आगे हम और कंटिन्यू करते जाएंगे। अभी आपका GST बचा है, डिस्काउंट्स की एंट्री बची है, तो उनको हमको वाउचर्स में कैसे एंट्री करेंगे ये सब चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, थैंक यू। और यदि कोई भी डाउट्स रहेंगे तो वो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।